हे गाइस, दिस इज विभोर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों से आज कुछ बात करनी थी, एक कुछ अपडेट देना था। असल में क्या हुआ, आपको जैसे पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से क्रिटीन यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रमोट भी करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्रिटीन सप्लीमेंट, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है, मैं रेगुलरली उसे यूज़ करता हूँ। तो हुआ ये, मैं अपना क्रिटीन परचेज करने एक ट्रस्टेड स्टोर पर गया जिससे मैं रेगुलरली क्रिटीन लेता हूँ। तो हुआ ये था कि एक ब्रांड है लेब्राडा, काफ़ी टाइम पहले भी मैंने यूज़ किया था, अच्छा क्रिटीन था नो डाउट। अभी क्या हुआ, मैंने लिया ओरिजिनल क्रिटीन, मैंने इनफैक्ट उस पर जो उनका नंबर होता है वो भी, स्क्रैच कोड होता है वो भी देखा था, तो वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट था। लेकिन जब मैंने उसको यूज़ किया ना, तो वो अंदर से मुझे टेस्ट में मीठा लगा। अब जैसे आप बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा क्रिटीन, तो वो लोग जानते होंगे कि क्रिटीन मोनोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा भी नहीं होता, वो थोड़ा सा न्यूट्रल टेस्टिंग होता है, सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रल टेस्टिंग होता है वो, और उसके अंदर भाई किसी भी तरह का कोई मीठा, कोई खट्टा, कैसा भी टेस्ट नहीं होता उसका। लेकिन जब मैंने वो यूज़ किया, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे ग्लूकोज होता है ना, उसका ग्लूकोज से मिलता जुलता टेस्ट था। जैसे कि आप 3 ग्राम ग्लूकोज अगर लोगे, तो जो उसका टेस्ट होगा ना, बिल्कुल सिमिलर वही टेस्ट था। अब मैंने उसकी कंसिस्टेंसी, मैंने ये चीज़ जब ग्लास में डाली, तो मैंने उसकी कंसिस्टेंसी देखी, तो उसके अंदर गांठ भी बनी। मुझे डाउट हुआ कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने फिर दोबारा जब ट्राई करा, तो मैंने देखा कि मेरे हाथ भी चिपचिपे हुए। अब मैं ये तो श्योर हो गया था कि भाई उसके अंदर 3 ग्राम 100% क्रिटीन तो नहीं है, हो सकता है 1 ग्राम उसमें क्रिटीन और बाकी कुछ ना कुछ और चीज़ ज़रूर थी उसके अंदर, या तो वो ग्लूकोज होगा या माल्टोडेक्सिन होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्रिटीन नहीं था। अब मुझे ये नहीं समझ में आया ये गलती किसकी तरफ से हो रही है, एमपीएन की तरफ से गलती है, ये लेब्राडा की गलती है, या जो इसका मैन्युफैक्चरर है उसकी गलती है। अब देखो, जो वो शॉप थी, ट्रस्टेड दुकान जिससे मैं लेता हूँ, उनकी अच्छाई ये थी कि जब मैंने उनको बताया, तो उनका खुद दिमाग ख़राब हुआ। उन्होंने देखा कि ये चीज़ मतलब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए, उन्होंने वो मेरा डब्बा जो था वो बदल दिया और मुझे ऑन का डब्बा दे दिया। वो ऑन का भी ऑथेंटिक था, मैंने SMS किया, उनके जो उनका जो स्क्रैच कोड होता है उस पर SMS किया, तो वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही था। और वो मुझे ये पता है कि वो जो शॉप है, वो जो ऑनर है जिनसे मैं लेता हूँ, वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही रखते हैं, वो डुप्लीकेसी नहीं रखते। तो भाई अब ये बताओ कि ये गलती किसकी तरफ से है, लेब्राडा की तरफ से है, एमपीएन की तरफ से है, या इसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस चीज़ को लो मत लो, वो आपकी चॉइस है कि इसको यूज़ करो ना करो, आपको ये प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है, अपना बाइंग डिसीजन चेंज मत करो, लेकिन थोड़ा सा सेफ रहो। अब पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, कहाँ से कैसे हो रहा है। तो देखो, जब ये ब्रांड्स ही ऐसे कर रही हैं, तो अब किसी से क्या ही उम्मीद लगाएं फिर। थैंक यू। तो आई होप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में।